कर्नाटक में एक पूरे के पूरे सिस्टम ने काम किया, घर घर जाकर के जमातों ने काम किया। एक एक मरा हुआ शब्द आपने उनके विरोध में बोलते सुना? आपने लोगों को जोड़ने का काम किया तो भगवा भगवाधारी आप खूब अपनी राजनीति कीजिए, में कोई ताल्लुक नहीं। अगर बात सनातन पर और भगवा पर आएगी मैं तो जीवंत खड़ा हूँ, मरे हुए साधु भी बोलेंगे, याद रखना। अपोजिशन पार्टी एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसकी वीडियोस को कहीं ना कहीं प्रमोट करी और चीजें करी जो कि एक सर प्रोपेगेंडा क्रिएट करे डिक्टेटरशिप का। और सर वो जुड़े हुए हैं INC से, और वो INC के नेता हर्ष मदार वो जॉर्ज सोरेस से जुड़े हुए कहीं ना कहीं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे 100 करोड़ डॉलर दे रहे हैं कि जितने भी पार्टीज हैं जो कि देश के लिए काम कर रही हैं उनको हटा दिया जाए। आप सब अपना ढेर कूद साइड सुनिए सुनिए यार सच में आप लोग बोलने नहीं दोगे तो अपने फायदे के लिए आपने शंकराचार्य का अपमान किया, वोट के लिए किया। क्या ये क्या तरीका है? मैं ये कह रहा हूं क्या हो रहा है, क्या हो गया? अमीश बाबू पानी पूरी को ना फाड़ लेंगे अपने, ये ना फाड़ लेंगे, यहां देख रहे हो यार हो गया जो होना है। हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री राम। दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एडवेंचरस होने वाली है। मगर क्यों? क्योंकि आज की डिबेट के अंदर आपको हरा कुर्ता भी फड़फड़ाता हुआ दिखेगा और एक डेढ़ फुटिया बंदर भी उछलता कूदता दिखेगा। तो दोस्तों इनकी उछल कूद को ज्यादा सीरियसली ना लेते हुए आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दें और वीडियो को पूरा जरूर देखना। और भाई चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही आइटम्स की हम आपके लिए डिबेट क्लिप्स लाते रहते हैं। तो ज्यादा बात ना करते हुए पहले डिबेट का आनंद लेते हैं। चलो भाई जी बोलिए। क्या पॉइंट है आपका? सर मेरा पॉइंट ये है कि जो सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली जब हम पॉलिटिकल कैंपेनिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अपोजिशन पार्टी एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसकी वीडियोस को कहीं ना कहीं प्रमोट करी और चीज़ें करी जो कि एक सर प्रोपेगेंडा क्रिएट करे डिक्टेटरशिप का। और सर वो जुड़े हुए हैं INC से, और वो INC के नेता हर्ष मदार वो जॉर्ज सोरेस से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे 100 करोड़ डॉलर दे रहे हैं कि जितने भी पार्टीज हैं जो कि देश के लिए काम कर रही हैं उनको हटा दिया जाए। ओके, ये आपका कहना है। ओके, आपका पॉइंट क्या है? सर मैं इनसे ये कहना चाहूंगा, ये तब से सपा की सरकार कह रही है महंगाई। सर आपने इस बार का वो रिपोर्ट नहीं पढ़ा? 4.72 वो इन्फ्लेशन रेट है जी, सबसे लोएस्ट। जी। ओके, आपका पॉइंट क्या है? सर राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ बोली थी कि इस बार 295 सीट आने वाली है, तो वो 295 सीट कहाँ आई? जीती तो बीजेपी सरकार। ओके, आपने अपनी बात को रखा, जैसे रख लिया वो मत बोले। क्या पॉइंट है आपका? सर राहुल गांधी जी ने बोला था कि जब उनकी सरकार आ जाएगी तो रिजर्वेशन 70% कर देंगे, तो क्या उन्हें टैक्स भी उन्हीं 70% लोगों से नहीं लेना चाहिए? सरकार तो उनकी आई नहीं है, पर ठीक है। नोमानी जी की बात आपने सुनवाई, इसी डिबेट के तकरीबन 10-15-20 मिनट के अंतराल में कोई इतनी मामूली सी हैसियत रखता है कि नोमानी की बात को काट दे। कर्नाटक में एक पूरे के पूरे सिस्टम ने काम किया, घर घर जाकर के जमातों ने काम किया। एक एक मरा हुआ शब्द आपने उनके विरोध में बोलते सुना? आपने लोगों को जोड़ने का काम किया तो भगवाधारी 50 चीज, सनातन का उन्मूलन, हमारा गठबंधन सनातन के खात्मे के लिए हुआ। हमें आपकी राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं सर, बहुत अच्छे से। लेकिन आप तो भिक्षा मांगते रहे इन सब चीजों। लेट मी कंप्लीट दादा जी, आप खूब अपनी राजनीति कीजिए, हमें कोई ताल्लुक नहीं। अगर बात सनातन पर और भगवा पर आएगी मैं तो जीवंत खड़ा हूँ, मरे हुए साधु भी बोलेंगे, याद रखना। और मुझे बोल, लेकिन लाभ क्या हुआ? लाभ क्या हुआ मुझे बोल, लाभ क्या हुआ? मैं जानता हूं मुझे क्या। आपके सनातन में शंकराचार्य हैं दादा? क्या आपके सनातन में शंकराचार्य हैं दादा? ये गजनी कहानी कि राम मंदिर का ये प्राण प्रतिष्ठा धर्म मुहूर्त पे है, जिन्होंने कहा कि मैं वहां जाकर क्या करूंगा, मोदी उद्घाटन करेगा और मैं ताली बजाऊंगा। अमीश शंकराचार्य, अमीश मान के आपने शंकराचार्य अमीश कैसे संतत्व की बात कर रहे हो? 30 सेकंड में क्या किया तुमने राम मंदिर को? अमीश रोचक क्या जानते हैं, पुर्जे शोर करते हैं मशीन के खराब होने पर, जुबान शोर करती है अकल के खराब होने। अच्छा, ठीक है। तर्क दीजिए ना सर, तर्क दीजिए, आप तो बोलने ना दोगे यार, हो गया। एक मिनट साइलेंस, आप सब अचानक बिल्कुल साइलेंस, सुनिए सुनिए यार, गजवे आदमी बोलने नहीं दोगे तुम? अपने फायदे के लिए आपने शंकराचार्य का अपमान किया, वोट के लिए किया। क्या ये क्या तरीका है? मैं ये कह रहा हूं यार, छोड़ दो। ये क्या हो रहा है, क्या हो गया ये? अमीश बाबू पानी पुनी दो, नस फाड़ लेंगे अपनी, ये नस फाड़ लेंगे, यहां देख रहे हो यार, हो गया जो होना है। अगला आदमी ये वो आदमी मुझसे कह रहा है जो स्वयं में ये वो व्यक्ति। अरे एक सेकंड भाई साहब, पानी पीजिए आप, मुबारकबाद दे देते कम से कम। शहजाद भाई पानी पिलाइए प्लीज, दे दिया, मुबारकबाद दी आपने। ये मैं तो दबाऊंगा पानी, ये वो व्यक्ति कह रहा है जो स्वयं में नास्तिक है।
मुझसे वो व्यक्ति इस बारे में चर्चा कर रहा है जिसे धर्म का ध्यय नहीं पता। विश्वास ही नहीं है तो कहा आप चक्कर 20 सेकंड फिर शहजाद और फिर आप। मेरे कोई शब्द बुरे लग सकते हैं, हो सकता है, मगर ये यार वो ना कहे ना जिसने सेना को खून देने से मना किया, जिसने स्टेलिन का जूता पहन करके दुनिया देखी, चीनी चश्मा लगा करके लोगों को बहकाया, वो मुझे ये कहे कि मैं क्या बोलूं अध्यात्म पर, इतना सा शर्म बचा है। एक रोचक बात कहूंगा कि सनातन पर सनातन के विरोध में, हिंदुत्व के विरोध में कोई भी देश का पक्ष और विपक्ष ना बोले। अगर जब आप बोलते हो तो हम लोगों को कष्ट होता है। और मैं एक बात आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, एक मैंने कब वोट मांगा, एविडेंस दे, एविडेंस मांगी इनसे, मैंने कब वोट मांगा, ये एविडेंस दे, मैंने कब वोट मांगा, ये एविडेंस दे, आप इन्होंने कब वोट मांगा, कोई एक प्रमाण दे, कोई एक, मैं आप सबके सामने कहता हूँ, मैं 2 मिनट में यहाँ से चला जाऊंगा, कोई एक एविडेंस दे, एविडेंस दीजिए, एविडेंस पर लगा, हो जाए एविडेंस, उदाहरण दीजिए, कब वोट मांगा, मैं आप सबसे कहता हूँ, कब वोट मांगा, उदाहरण दीजिए, अमीश भाई ने उदाहरण दे, अरे उदाहरण सुन लिया, नेशनल टेलीविजन पे वोट मांगे, उदाहरण दीजिए, ओम शांति करिए पहले, अरे ठंडा पानी पीजिए भाई साहब, ये तरीका कभी नहीं, ओम शांति, कब वोट मांगा, बिल्कुल आप डेट बताइए, तारीख बताइए, समय बताइए, मैं वीडियो फुटेज में बताता हूं, कब वोट मांगा, स्वामी जी बात बताइए, मतलब आप एक साधु पर झूठा आरोप झूठ बोलते हैं यार, ऐसे होते हैं वामपंथी, हमारी चाहे विचारधारा जो भी हो, एक स्वामी जी को बार बार लगातार अपमानित करना, ये लगता है कि इस प्रकार की, नहीं आप गलत कर रहे हैं आप लोग, इस प्रकार की संस्कृति दिखाती है कि किस प्रकार से आप लोग हिंदू समाज के प्रति घृणा रखते हैं। कोई मौलाना होता तो मौलाना के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। मैं क्यों नहीं आया, अरे कोई दूसरी बात, अरे भाई कौन अपमान कर रहा है, सब यहां हिंदू मुस्लिम दूसरी बात करके माहौल बनाना चाहते हैं। अभी आजकल आपने देखा होगा, जवाब जनता का नहीं है तो हिंदू पे आ जा रहे भाई, हम अनुराग बाबू कौन नहीं है भाई, बात कर रहे हो अनुराग बाबू, मैं तो आपका सम्मान वैसे ही करता हूं, वो छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं झूठ बोला क्यों, झूठ बोला आप तो मानते हो, बताइए कहां मांगे, फिर बोल रहे हैं, बताइए कहां मांगे, वोट कहां मांगे, बोलने तो दो, कोई बता देता हूं कहां मांगे, कोई वामपंथी चैनल पे, इसी चैनल पे वामपंथी, आप कह रहे हैं कोई वामपंथी झूठ बोलता है, वामपंथी झूठ बोलते हैं, आपने इसी बोले इसी शो में कहा था, क्या कहा था, कि जिसने राम मंदिर जिस पार्टी ने बनाने को फैसिलिटेट किया है मैं उसी के साथ खड़ा हूँ, क्या क्या होता है, मांगते हैं वोट, ये ऐसा है। अब इन्होंने हमारे आगे का एजेंडा तो बता दिया, आपने 2 दिन से देखा है वीडियोस आ रही हैं जहां पर कुछ महिलाएं कांग्रेस के दफ्तर पर जाकर पूछ रही है 1 लाख रुपए कब मिलेंगे, अब मुझे बताइए डेट बताइए, अपनी सरकारों में कब देंगे 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए अपनी सरकारों में कब देंगे, 1 लाख रुपए चाहिए नहीं चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए नहीं चाहिए, हाँ ना चाहिए नहीं चाहिए, 1 लाख रुपए अपनी सरकार में, हमने कहा था अगर हमारी सरकार आएगी, सरकार आएगी, सरकार आएगी और कहां से दे देंगे, सरकार आपके देंगे, दोस्तों 1-1 लाख रुपए के लिए जो इनका लेंटर लगा है, ये जो फेंका फेंकी में अपनी इन्होंने 2-4 सीटें ले ली हैं विश्वासियों ने, जो इन जैसे के लालच में आके फ्री बीस के चक्कर में इन्हें वोट दे दी हैं, अब वो भी लाइनों में खड़े हैं और ये भी इधर उधर मुंह ताक रहे हैं। और हालांकि जो ये कहते हैं कि हमारी सरकार आती जिन स्टेट में है तुम 8 की जगह 4 करके दे दो ना भाई, हिमाचल में है, तेलंगाना में है, इनके गठबंधन की पंजाब में है, बहुत से राज्य जिनमें इनकी है, दे दो 4-4 हजार ही देना शुरू कर दो। बाकी आपको इसके बारे में क्या कहना है, ये जो फ्री का चंदन ये पार्टियां बांटती रहती हैं, कमेंट कर दे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें, फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।